हेलो क्रिकेट बड़ी, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं माई क्रिकेट बड़ी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेट ड्राइव है और ये स्टेट ड्राइव का पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आ रही होगी, तो ये लिंक को क्लिक करके आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, फिर ये पार्ट टू देखो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस पार्ट में मैं स्टेप थ्री और फोर कवर करने वाला हूँ, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ये वाली सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो इसमें हम स्टेप थ्री और फोर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लो कि किस तरह से करना है, फिर उसके बाद हम कुछ और बात करेंगे कि और हार्ड कैसे कर सकते हो या फिर क्या चेंजेस आप लोग कर सकते हो। तो चलिए ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो क्रिकेट बड़ी से अब स्टेप थ्री के लिए आपको अपना एक फ्रेंड तो चाहिए ही होगा आपको, जो कि आपको बॉल डाल सके। तो अब इस स्टेप में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना स्टैंड लेना है कि जिस भी तरह से आप खड़े रहते हो, फिर उसके बाद आपको हाफ स्ट्रेच करना है और मेक श्योर कि आपकी नी आगे की तरफ बेंड हो ताकि वेट ट्रांसफर भी अच्छा हो, और प्लस आपका टो जितना सीधा रहेगा उतना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद एक बार एक शॉट मारना। तो सबसे पहले हम लोग स्टांस लेंगे, फिर नी आगे की तरफ बेंड, तो क्रिकेट बडीज अब स्टेप फोर में आपको करना क्या है, स्टेप फोर में आपको दो कोन और चाहिए होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना स्टांस लेना है, फिर आपको स्ट्रेच करना है, वन टू, और तीसरी बार में यानी कि थर्ड में आपको शॉट मारना है। तो अब ये वाला और ये वाला कोन रखा क्यों है, तो देखो ये वाला कोन इसलिए रखा है ताकि बॉलर जो भी बॉल डाल रहा है उसको पता चले कि बॉल कहाँ पे पिच कराना है। तो आपको उसको पता नहीं होगा कि आप कितना स्ट्रेच करोगे, इसलिए उस हिसाब से हमने कोन रखा है तो बॉलर को आइडिया है। तो अब ये दूसरा वाला कोन रखा है हमारे लिए कि जो हमारा जो आगे वाला पैर है वो कभी कभी क्या होता है, अगर हम स्ट्रेच करते हैं ना इस तरह से वन टू, तो कभी कभी क्या होता है हमारा स्टांस काफ़ी बड़ा हो जाता है या फिर कभी छोटा हो जाता है। तो ये हमारे रेफरेंस के लिए कि हमारा ये वाला आगे वाला पैर कहाँ पर आना चाहिए, जो कि हमारा नॉर्मल स्टैंड है उस हिसाब से आपको सेट करना है, ठीक है। तो वो उसकी लाइन में आना चाहिए और उसके बाद आपको तीसरी बार में शॉट मारना। तो हम लोग थोड़ा लाइव शॉट मारते हैं ताकि आपको पता चले। तो सबसे पहले आपको स्टांस लेना है, वन टू, तीसरी बार में आपको मारना है, वन टू। नहीं ये वाला अच्छा नहीं, वन टू। तो फाइनली क्रिकेट बडीज आपने ये ड्रिल देख ली होगी, तो दोनों स्टेप आपने देख लिए होंगे। अब आप दो एक और चीज़ कर सकते हो कि मैंने हाफ स्ट्रेच किया था, तो आप थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेच भी कर सकते हो। अब हाफ स्ट्रेच किस लिए कि बॉल को हमारे तक आने देना है और हमको सिर्फ टाइम करना है या फिर पंच करना है, तो उस हिसाब से आप मार सकते हो। तो आप दोनों की तरीके से आप खेल सकते हो, थोड़ा एडजस्ट करके भी खेल सकते हो कि कुछ शॉट में आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा एडजस्ट किया, पीछे का पैर थोड़ा इस तरफ लिया, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो कि अच्छी पोजिशन में आप आ जाओ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ आप जरूर ट्राई कर सकते हो, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस ड्रिल से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और प्लस हमारी Q&A वीडियो की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछो नीचे। अगर मैं सिर्फ 5 अच्छे या फिर 10 अच्छे कमेंट पिक करने वाला हूँ, तो क्या पता आपका क्वेश्चन भी आ जाए, तो नीचे कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो यार मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, नीचे लिंक आ रही है तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और उसमें भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो छोटा सा वीडियो क्लिप बना के मेल आईडी पे सेंड कर सकते हो माई क्रिकेट बडी की, या फिर DM भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव क्रिकेट लिव क्रिकेट। अरे हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन बहुत लाल हो गया है गुस्से से, अगर आप एक क्लिक कर दोगे ना तो इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और बार लव क्रिकेट लिव क्रिकेट।